हेलो स्टूडेंट, UPPCL TG2, UPRVNL TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन जैसे सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। YouTube चैनल नेम ITI 180 इलेक्ट्रीशियन। आज का टॉपिक है प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव पड़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर के फील्ड वाइंडिंग की प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 30 ओम है। 40 डिग्री सेल्सियस पर इसकी प्रतिरोध क्या होगी? वाइंडन तार की प्रतिरोध का ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस है। स्टूडेंट, पहले आप लोग इस सवाल को लगाएं, उसके बाद आगे का वीडियो देखें। आंसर है कि जो R0 का है, R0 है स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, T टेम्परेचर है इसमें 40 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है, और अल्फा अल्फा जो है इसमें ताप गुणांक है, और ताप गुणांक का मान दे दिया है 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस, और प्रतिरोध का मान पूछा है। तो फार्मूला होता है स्टूडेंट RT बराबर, RT का मतलब होता है कि T डिग्री सेल्सियस पे, यानी जो अंतिम तापमान है उस पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस, RT T डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध। तो RT फार्मूला है दोस्तों, RT बराबर होता है R0 अल्फा T प्लस 1। इसमें जो देखेंगे RT बराबर R0 का मान दे दिया है, R0 का मान दे दिया है 30 ओम, और अल्फा का मान दे दिया है 0.0043 गुणे टेम्परेचर दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0.0043 गुणे 40 से जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1720 प्लस 1। आगे देखेंगे, जब इसको 1 से जोड़ देंगे तो RT का मान आएगा 30 × 1.172। जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो RT का मान आ जाएगा, RT बराबर हो जाएगा 35.16 ओम। आगे देखेंगे, दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस पर एक तांबे कॉयल की प्रतिरोध 2.43 ओम है। 60 डिग्री सेल्सियस पर इसकी प्रतिरोध ज्ञात करें। तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें स्टूडेंट एक तापमान पर रेजिस्टेंस का मान दे दिया है और दूसरे तापमान पर पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एक तापमान का मान दे दिया, वो कितना है T1, T1 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। RT1, RT का मतलब पहले या प्रारंभिक तापमान पर रेजिस्टेंस का मान, तो इसका दे दिया 2.43 ओम। T2 दूसरा तापमान है, यानी इसी को अंतिम तापमान भी कहते हैं, तो T2 का मान दे दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा का मान दे दिया है, अल्फा का मान दे दिया है 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला होता है RT2
बराबर आर टी वन अल्फा टी टू प्लस वन बट्टे का अल्फा टी वन प्लस वन। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सबका मान रखने पर, जब सबका मान रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा आर टी टू बराबर 2.43 ब्रैकेट में 0.043 गुणे 60 प्लस वन बट्टे का 0.0043 गुणे 50 प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये आर टी टू का मान आ जाएगा, आर टी टू का मान आ जाएगा 2.43 ब्रैकेट में 0.258 प्लस वन बट्टे 0.215 प्लस वन हो जाएगा। आर टी टू का मान आ जाएगा 2.43 गुणे 1.258 बट्टे 1.215। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर टी टू का मान आ जाएगा 3.05694 बट्टे का 1.215। इसको सॉल्व करेंगे तो आर टी टू का मान आ जाएगा 2.516 ओम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस पर एक संट फील्ड कॉइल की प्रतिरोध 21.29 ओम है, 40 डिग्री सेल्सियस पर इसकी प्रतिरोध ज्ञात करें। तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसमें भी एक टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान दे दिया है और दूसरे टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें T1 का मान दे दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रारंभिक तापमान का मान दे दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। RT1 का मान दे दिया है 21.29 ओम। T2 यानी अंतिम तापमान का दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस और अल्फा का मान दे दिया है 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस। फार्मूला होता है स्टूडेंट RT2 बराबर होता है RT1 ब्रैकेट में अल्फा T2 प्लस वन बट्टे अल्फा T1 प्लस वन। जब इसका वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे, तो ये मान आएगा T2 का, तो यहाँ पे T1 दे रखा है 21.29 ब्रैकेट में अल्फा का मान है 0.0043 गुणे T2 का मान है 40 प्लस 1 बट्टे का 0.0043 गुणे जो T1 का मान है 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 40 में अल्फा का मान गुणा कर देंगे और 15 में अल्फा का मान का गुणा कर देंगे तो स्टूडेंट आएगा RT2 बराबर हो जाएगा 21.29 ब्रैकेट में 0.1720 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 0.0645 प्लस 1। जब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो RT2 का मान आ जाएगा, इक्कीस दशमलव दो नौ गुणे 1.172 बट्टे का 1.0
0645। जब इसको स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे इसका मान आ जाएगा RT2 बराबर हो जाएगा 24.95188/1.0645। जब इसको सॉल्व करेंगे तो RT2 का मान आ जाएगा 23.44 ओम। यानी देखेंगे स्टूडेंट तो जो प्रारंभिक तापमान पर रेजिस्टेंस था तो ध्यान देंगे वो 21.29 ओम है। और जब तापमान बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस का भी मान क्या हुआ, बढ़ गया। इसी को कहते हैं धनात्मक ताप गुणांक यानी पॉजिटिव। और ये धातु पर होता है, धातु पर टेम्परेचर का जो प्रभाव होता है वो धनात्मक ताप गुणांक होता है। अगला स्टूडेंट देखेंगे, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। एक तार की प्रतिरोध को 50 ओम से 71.5 ओम तक बढ़ाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी। यदि तार के धातु की प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रारंभ एक तापमान पर 0.0043 ओम प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो ध्यान देंगे इसमें टेम्परेचर पूछा है स्टूडेंट कि इसमें R0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान दे दिया है और T डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 71.5 ओम। अल्फा का मान दे दिया है 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस। तापमान का मान पूछ रहा है यानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 50 ओम है तो कह रहा है RT डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करेंगे तो 71.5 हो जाएगा। तो टेम्परेचर का मान बताएं तो इसका फार्मूला है RT बराबर हो जाएगा R0 α T+1। तो इसमें T का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो देखेंगे सबका मान रखने पर RT बराबर R0 α T+1 इनका मान रखने पर तो RT का मान है 71.5 बराबर R0 का मान है 50, अल्फा का मान है 0.043, T का मान ज्ञात करना है +1। स्टूडेंट ये 50 यहाँ पे गुणा पे है इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा तो ये जगह 71.5/50 बराबर 0.043 T+1। अच्छा 1 इधर प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 71.5/50+1 बराबर 0.0043 T। आगे देखेंगे जब उसमें से एक को घटाएंगे स्टूडेंट तो इसमें इसका मान आ जाएगा 71.5/50/50 बराबर 0.0043 T। टेम्परेचर का मान ज्ञात करना है तो 71.5 में से 50 को घटाएंगे तो 21.5 हो जाएगा 21.5/50 और यहाँ पे बराबर 0.0043 T हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा का जो मान है वो गुणा में है इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21.5/50 × 0.0043 T। यहाँ से जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो टी का मान आ जाएगा स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है एक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर 40 ओम है। इसकी रेजिस्टेंस 60 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करें। यदि इसका प्रतिरोध का ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0043
प्रति डिग्री सेल्सियस हो। तो पहले वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है, पहले की तरह जैसे एक टेम्परेचर पर मान दे दिया है और दूसरे टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तो इसमें क्या क्या मान दे दिया है देखेंगे। स्टूडेंट टी का मान दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, आर टी वन का मान दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, आर टी का मान दे दिया है 40 ओम, टी टू का मान दे दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, अल्फा का मान दे दिया है 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस, टी टू का मान पूछा है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा टी टू बराबर हो जाएगा आर टी वन ब्रैकेट में अल्फा टी टू प्लस वन बट्टे का अल्फा टी वन प्लस वन हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे सबका मान रख देंगे, तो यहाँ टी टू बराबर हो जाएगा 40 ब्रैकेट में 0.0043 गुणे 60 प्लस वन बट्टे का 0.0043 गुणे 20 प्लस वन। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर टी टू का मान आ जाएगा 40 ब्रैकेट में 0.2580 प्लस वन और नीचे होगा 0.0860 प्लस वन। जब स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आ जाएगा 40 गुणे 1.258 नीचे हो जाएगा बट्टे में 1.806 आर टी टू का मान हो जाएगा 50.32 बट्टे का 1.086। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आर टी टू का मान आ जाएगा 46.33। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक क्वाइल की प्रतिरोध 15 डिग्री सेल्सियस पर 30 ओम है, इसकी प्रतिरोध 45 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करें, जबकि इसका प्रतिरोधक ताप गुणांक 15 डिग्री सेल्सियस पर 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस है। एक तापमान पर देखे दूसरे तापमान पर पूछ रहा है स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे इसमें टी वन का मान दे दिया 15 डिग्री सेल्सियस, आर टी वन का मान दे दिया 30 ओम, टी टू का मान दे दिया 45 डिग्री सेल्सियस, अल्फा का मान दे दिया है 0.039 प्रति डिग्री सेल्सियस, आर टी टू का मान पूछा है स्टूडेंट, आर टी टू का मान पूछा है। तो फार्मूला हो जाएगा टी टू बराबर हो जाएगा आर टी वन ब्रैकेट में अल्फा टी टू प्लस वन, अल्फा टी वन प्लस वन। जब इसका मान रखेंगे तो टी टू का जब मान रखेंगे तो टी टू बराबर हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 0.0039 गुणे 45 प्लस वन बट्टे 0.0039 गुणे 15 प्लस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट बोडो मार्क्स के नियम के अनुसार तो आगे मिलेगा टी टू का मान 30 ब्रैकेट में 0.1755 प्लस वन 0.0585 प्लस वन। जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो टी टू का मान मिलेगा, टी टू बराबर हो जाएगा 30 गुणे 1.1755 बट्टे का 1.0585। टी टू का मान हो जाएगा आगे स्टूडेंट उसको सॉल्व करने के बाद टी टू का मान हो जाएगा 35.265 बट्टे 1.0585 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर टी टू का मान हो जाएगा 33.331758 और आर टी टू का मान हो जाएगा लगभग आर टी टू बराबर हो जाएगा 33.33 ओम। इसमें ध्यान देंगे स्टूडेंट जो 15 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस 30 ओम है और जब इसको
डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो देखेंगे इसका मान हो जाएगा RT2 बराबर हो जाएगा 33.33। यानी धातु का जो ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।